में कर रखा लो। हम तुम्हारे साथ हैं। एजाज भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा भाई, मेरा भाई, एजाज भाई, एजाज भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, एजाज भाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता बोझों और इंशाल्लाह पाँच मिनट बना हालांकि ये काम लोग से माइंडस जो दुनिया को सुना मेहमानों का मैं दिल से एक बार जोरदार तालियां खूबसूरत कश्मीर के लिए और यहाँ के भाईचारे के लिए मेहमान और में अलाफी सीट मोजज नफर आमद बहुत तहे दिल से सारे शुक्रिया अदा कर तमाम तुम दोस्तन यो कम टाइमस पे योर आए और कन्वेंशन शान बढ़ो। देखिए आज मन की बात का पहला एपिसोड था माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के आलचूबाग एरिया में हम लोगों ने मन की बात भी सुनी और साथ में एक छोटी सी कन्वेंशन भी रखी है। यहाँ के लोगों के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ इनके मसले मसाइल हम सुने और अपने वर्कर्स से हम लोग बात करें, क्योंकि आने वाले इलेक्शंस भी है। उस इलेक्शंस को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि एक आउटरीच होना चाहिए लाल चौक एरिया में भी, ताकि यहाँ के जो मसले मसाइल है वो भी हम लोग देखें और साथ में अपनी संगठन को भी हम लोग कैसे विस्तार करें, कैसे हम लोग बढ़ाएं, उसके लिए भी हम लोग ने प्रयास किया है। असेंबली इलेक्शंस के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार है। जब भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अनाउंस करती है इलेक्शंस के लिए, मैं मानता हूँ इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा और उम्मीद है यहाँ से भी कुछ सीटें हम लोग जीत के आ जाएंगे। देखिए मैं इनको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपने सारी पार्टियों को यहाँ पे मौका दिया है, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। ऐसे नौजवानों को आगे मौका देना चाहिए जो आप लोग के काम करें। बेशक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हमें जो यहाँ के युवा है, यूथ्स है, उनको यही एक मैसेज है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाइए और अपने मसाइल रखिए, ताकि आपका भी उसका हल होगा। और आप जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनते हो। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, यहाँ के जो नेता है जिन्होंने यहाँ 70 साल कोई काम नहीं किया, जिन्होंने हमारे लोगों की सुनवाई नहीं की, उनको एक करारा जवाब देने का एक मौका मिल जाएगा यहाँ के लोगों को।